चाट पापड़ी की पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा जो लगभग 250 ग्राम है, 2 टेबलस्पून घी, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कटोरी मैदा जो लगभग 250 ग्राम है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, हमें घी ज़्यादा यूज नहीं करना है। साथ ही में हम लेंगे थोड़ी सी अजवाइन लगभग 1/2 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने पर हमें चेक करना है, अगर हमारा इसमें एक हल्का सा हाथ में मुट्ठी में लेकर बाइंड करने पर अच्छे से लड्डू बन रहा है, यानी हमारा मोन सफिशियंट है। और ये देखिए हमारा मोन लगाने पर इस तरीके से लड्डू बनना चाहिए, और जब हम इसको इसमें डालें तो ये टूट जाए, हमें बहुत ज़्यादा मोन की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अब हमें इसमें एक ट्रिक है, आप इसको ठंडे पानी से नहीं इसका आटा लगाना है, हमें इसके लिए हल्के गर्म पानी से आटा लगाना है। और ये देखिए मैंने इसका एक अच्छा टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाकर इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। चाट पापड़ी के लिए हमें 2 तरह की चटनी बनाएंगे, एक मीठी खट्टी मीठी और एक हरी चटनी। तो खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, वो इस प्रकार है, गुड़, अमचूर, शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट एंड जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। अमचूर हमने यहाँ पे 1/4 कटोरी लिया है, साथ में ही हमने लगभग 1/2 कटोरी गुड़ भी लिया है। अब हम इसकी एक खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने भगोनी में 1 फुल बाउल भर के पानी लिया है, साथ में हमने इसमें डाल देना है अपना 1/4 बाउल जो अमचूर पाउडर और गुड़ और शक्कर, और इसका एक गाढ़ा पेस्ट होने तक हम इसको कुक करेंगे। इसको कुक होने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम ही हमें लगेगा। और ये देखिए हमारे इसमें लगभग 1.5 मिनट में अच्छा गाढ़ा बन आ गया है चटनी में, और इसमें उबाल भी आ गया। इस स्टेज में हम इसमें अपना गुड़ ऐड कर देंगे। अगर हमें ये देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी गाढ़ी बनकर तैयार हो रही है। अब हम इस स्टेज में गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ये हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके अपने स्वाद के अनुसार डालना है। साथ ही में हम इस स्टेज में इसमें डालेंगे हम काला नमक और अपना भुना हुआ जीरे का पाउडर, और इसको फिर से हम थोड़ी देर धीमी आंच पर ही कुक करेंगे। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी एक खट्टी मीठी अमचूर की चटनी बनकर लगभग तैयार हो गई। इसको और हम एक 30 सेकंड के अराउंड ही तेज आंच पे कुक करेंगे और गैस की फ्लेम को फिर बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी थिकनेस इसमें आ चुकी है और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई। हमारी हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, फ्रेश पुदीना, कुछ पालक के पत्ते। पालक के पत्ते हमारी चटनी को एक बहुत ही अच्छा कलर देते हैं। साथ में चाहिए हमें खट्टापन के लिए नींबू, थोड़ा सा सॉल्ट और हरी मिर्ची। अब हम बनाते हैं अपनी हरी चटनी। देखिए हमने एक जार में अपना पुदीनरा, धनिया, पालक और नमक डालकर इसको, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाला है, बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। अगर हमें लगा कि हमारा जो चटनी है वो ज़्यादा थिक है तो हम उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। ये देखिए हमें कितना सुंदर ग्रीन कलर की हमारी चटपटी चटनी बनकर तैयार हो गई। इस स्टेज में हम इसमें 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे, हमें ज़्यादा इसमें खट्टापन नहीं चाहिए क्योंकि हमारे अमचूर की चटनी भी काफ़ी खट्टी है, तो हमें इसमें सिर्फ 1/2 नींबू का रस ही ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक जार में लगभग 1 कटोरी दही को भी एक बार हल्का सा घुमा लेंगे ताकि हमें एक गाढ़ा दही मिल जाए। और ये देखिए हमें कितना क्रीमी और गाढ़ा दही मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी पापड़ी को तैयार करेंगे क्योंकि हमारे पापड़ी का डो लगे हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं
और हमें इतना ही उसको रेस्ट देना था। ये देखिए हमारा डो अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर और अपनी पापड़ी तैयार करेंगे। देखिए हमने अपनी मैदे के आटे से ये छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इससे अपनी पापड़ी बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए हमने एक पेड़ा लिया और उससे एक पतला सा गोल शेप तैयार करेंगे। ये देखिए हमने बहुत ही पतली सी पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें चाकू की मदद से कुछ कट्स लगाएंगे। हमने इसके एंड्स को छोड़ते हुए कट्स लगाने हैं। और ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से उठाकर और इस तरीके से घुमाते हुए साइडों से हल्का सा दबा देंगे। इसी तरीके से हम बाकी के पेड़ों की भी पापड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने अपनी सभी पापड़ियों को तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लिया और उसमें कुछ रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको हम तेज आंच पर अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है गैस की फ्लेम को करेंगे हम स्लो और हम अपनी पापड़ियां इसमें डालेंगे। अभी हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम अपनी सारी पापड़ियां इसमें डाल देंगे और इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की पापड़ी सिक गई है। अब इस स्टेज में हम इसको बाहर निकाल लेंगे और अब इसी प्रकार हम इसमें बाकी की भी अपनी पापड़ियों को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए हमारी पापड़ी में गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज में हमने गैस की फ्लेम को ज़्यादा थोड़ा तेज कर दिया ताकि हमारी पापड़ी में जो तेल पिया है वो बाहर छोड़ दे और हमारी पापड़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और ये देखिए हमारी पापड़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। गैस की फ्लेम को करेंगे स्लो और इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे।